हे गाइस, एक बहुत बड़े गुड न्यूज़ जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ। एक्चुअली मैं बोलपुर शांतिनिकेतन से बिलोंग करता हूँ और मेरे एरिया पे यहाँ पर BSNL 4G का काम शुरू हो चुका है। यस दोस्तों, इसीलिए कभी कभार मुझे BSNL की तरफ से 4G प्लस नेटवर्क देखने को मिल रहा है। एक्चुअली मैं बहुत दिन से, मतलब 3 साल से मैं BSNL के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ। BSNL के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। BSNL का 4G कहीं पर लॉन्च होता है तो सबसे पहले मैं ही आपको बताता हूँ। 2-3 साल के अंदर मैंने बहुत सारे एरिया के बारे में बताया है जहाँ पर BSNL ने अपना 4G लॉन्च किया है, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जहाँ पर मैंने आप सभी को कहा था कि मेरे एरिया पे 3G प्लस मिलता है। यस, मतलब दूसरे जगह पे 4G लॉन्च हुआ है ये बताते बताते मैं थक गया था। और मैं ये भी आपको बताता था कि मेरे एरिया पे अभी तक 4G नहीं है, मेरे एरिया पे सिर्फ और सिर्फ H प्लस लिखा हुआ आता है, H प्लस यानी कि 3G नेटवर्क मिलता है। लेकिन बहुत ही खुशी के साथ ये बता रहा हूँ आप सभी को कि मेरे एरिया पे BSNL की तरफ से 4G मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्चुअल में मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे आसपास लोकल में BSNL का कोई भी 4G टावर दिखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि BSNL का जो 4G टावर है जिसका नेटवर्क मुझे मिल रहा है या मेरे फ़ोन में आ रहा है वो कहीं दूर है, ठीक है। आप सभी को मैंने ये भी कहा था कि BSNL का जो 4G टावर है वो आप इजीली देख पाएंगे, उसको पहचान लेंगे, क्योंकि जितने भी न्यू 4G टावर BSNL की तरफ से लगाया जा रहा है उसमें BSNL का लोगो दिखेगा आपको। न्यू 4G टावर पे BSNL का लोगो दिखेगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि BSNL का एक एक टावर दूसरे कंपनीज का 4-4 टावर को कंपटीशन दे सकता है, क्योंकि BSNL का न्यू 4G टावर में 700 MHz एंड 2100 MHz का बैंड लगा हुआ है। तो इसीलिए हो सकता है कि मेरे एरिया का आसपास मुझे ये 4G टावर दिखने को नहीं मिला है। मैं थोड़ा मतलब खोजने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर लगा हुआ है, और अभी तक प्रॉपर तरीके से 4G नहीं मिल रहा है। ये भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि घर के अंदर कभी कभार मिल रहा है, कभी कभार बाहर मिल रहा है, लेकिन जब भी मैं ऊपर आ रहा हूँ तो छत में आ रहा हूँ तो ज़्यादा 4G आ रहा है, लेकिन एकदम नीचे घर में जब रह रहा हूँ एकदम एक साइड में तब 4G नहीं, H प्लस लिखा हुआ आ रहा है। और कभी कभार तो छत में भी 4G नहीं, H प्लस हो रहा है, मतलब H प्लस 4G ऐसा जो है रिदम हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि काम शुरू हो चुका है और ये टावर मेरे घर से बहुत दूर है इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये आपको 4G, ये 4G जो है पूरे मिल जाएगा, मुझे प्रॉपर तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आप सभी को स्क्रीनशॉट्स के थ्रू बताऊंगा और किस तरह से मुझे मिला है, मुझे कोई सेटिंग्स करना पड़ा या नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेटिंग्स एक्चुअली अगर आप करके रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताया था कि BSNL का 4G का सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, तो वो आप करके रखिए। जैसे ही आसपास कहीं पर 4G मिलेगा आएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो सेटिंग्स करके रखिए, नहीं तो आपको हो सकता है कि ना मिले। तो मुझे कभी कभार 4G मिल रहा है, कभी कभार H प्लस लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर, ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन के अंदर मुझे प्रॉपर तरीके का 4G मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो जैसे ही मिलेगा तो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ये मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 4G मिल रहा है, और जब 4G मिल रहा है ना तो स्पीड बढ़िया है, ठीक है। तो आपके एरिया पे अभी तक 4G लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है ये प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।